खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। गैस उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनी EKYC, सर्वर डाउन होने के कारण लग रही है लंबी कतारें। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह सहित विधायक और कार्यकर्ता हुए एकत्र। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 प्राथमिकताएं की तय। निर्धारित श्रेणी में 450 के सिलेंडर और 2.5 लाख नौकरियों सहित अन्य पहलू है शामिल। और चिकानी LIT कॉलेज से लाखों का सामान हुआ पार, स्टोर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। सभी गैस उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक EKYC करवाना जरूरी है, लेकिन जब लोग एजेंसी पर पहुंचते हैं तो सर्वर डाउन होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। काम नहीं हुआ तो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके चलते उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन दिनों गैस उपभोक्ताओं का EKYC से सत्यापन हो रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होने से EKYC सिरदर्द बन गई है। ऐसे में कतारों में लगने वाले लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विभाग द्वारा सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए EKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहक इस उम्मीद में भी EKYC करवा रहे हैं कि भविष्य में सब्सिडी मिलेगी। हालांकि फिलहाल निर्धारित श्रेणियों के लिए यह सुविधा लागू है। उधर कई गैस एजेंसियों में स्टाफ कम होने और ज्यादातर समय सर्वर नहीं चलने से लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगह तो भीड़ के चलते लोगों में लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती है। गौरतलब है कि सर्वर सुबह 9 से 11:30 और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक ही चल रहा है। इससे गैस कंपनियों के कर्मचारी भी परेशान बने हुए हैं। दूसरी ओर दिव्यांग और बुजुर्ग घंटों तक लाइनों में खड़े रहने के कारण कठिनाई उठाते हैं। शुक्रवार सुबह अलवर शहर के अलकापुरी में कई बार सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आई। उधर बिजलीघर स्थित इंडियन गैस सर्विस पर भी बड़ी संख्या में लोग लाइनों में लगे नजर आए। इनमें बुजुर्ग और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। कई लोगों का काम तो लगातार 2-3 दिन आने पर भी नहीं हो पाया है। EKYC के लिए सर आज हमारा एक कैंप तो लग रहा है नयाबाद सर्किल वरुण विभाग में, वहाँ तो बायोमेट्रिक और एक फेस स्कैन दोनों चल रही है। मतलब बायोमेट्रिक में दोनों, एक तो थम से कर सकते हैं, एक फेस स्कैन कर सकते हैं। मेरे पास फेस स्कैन से हो रहा है। इसमें कितनी देर लग रही है और सर्वर? इसमें सर 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लगती है। पर लोग सर्वर डाउन होने की बता रहे हैं कुछ? ये 11:30-11 बजे सर्वर डाउन ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या फायदे होने हैं लोगों को इसके लिए? फायदा तो ये सत्यापन है KYC कस्टमर का। उसको फायदे क्या होंगे इससे? फायदा तो सर इसमें हमें भी नहीं दिया गया है कि क्या फायदा है। बाकी कनेक्शन का सत्यापन ही हो रहा है कि ये कस्टमर है भी या नहीं है जो गैस भरवा रहे हैं। कितने उपभोक्ता हैं पूरे टोटल? करीब 14,000 समथिंग है। अभी तक कितने के खर्च चुके हो आप लोग? 1500-1700 समथिंग। उधर इंडियन गैस सर्विस के प्रतिनिधि अमित पंजवानी ने बताया कि सर्वर डाउन होने से एक उपभोक्ता को अटेंड करने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके चलते लोगों की भीड़ लग जाती है। उन्होंने कहा कि EKYC करने का कार्य राजस्थान सहित देश भर में चल रहा है, इसी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। ये प्रत्येक कस्टमर के लिए EKYC हो रही है ताकि कस्टमर जीवित प्रमाण पत्र है एक तरह से, ये सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें समस्या ये आ रही है, दिन में तो चलता नहीं है सर्वर, शाम को और सुबह चलता है। सुबह 9 बजे चलता है, आज तो सुबह 9 बजे भी नहीं चल रहा है। कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर? प्रतिदिन 800 से 1000 लोग। तो इससे फायदे क्या क्या हैं लोगों के लिए? फायदे का तो सर एक तरह से KYC ये होती है, जीवित प्रमाण पत्र। अभी नेक्स्ट मंथ से शायद सब्सिडी चालू हो रही है, शायद इसलिए हो रहा है या अभी पता चलेगा, अभी हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। एक तरह से जीवित प्रमाण पत्र है ये। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक सभी की EKYC आसान नहीं है, और ऐसे में यह तारीख बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। पुष्पेंद्र बसेन, ATL न्यूज अलवर।
जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मिनी सचिवालय के गेट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। संसद से 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अलावा पूर्व मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, पार्टी नेता अजीत यादव आदि मौजूद रहे। साथ ही विधायक मांगीलाल मीणा, ललित यादव, दीपचंद खैरिया, जुबेर खान और कांतिलाल मीणा की उपस्थिति रही। इसके अलावा अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि और पार्षदों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। लोकतंत्र के हत्यारों का, प्रजातंत्र के हत्यारों का, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से 157 सांसदों को बाहर निकाल दिया है लोकसभा से और राज्यसभा से, ये जो सरकार है ये जनता का कोई सम्मान नहीं करती है, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करती है। जो भी सांसद हैं वो जनता ने चुनको वहाँ भेजा है, जनता की आवाज़ बनकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और एक छोटा सा एक मामला, जिस तरह से एक छोटी सी मांग इन सांसदों की है कि जो गृह मंत्री है वो आकर जो संसद है उसके अंदर अपना बयान दे, इतनी एक बड़ी घटना जो हुई है उसके बारे में वो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए वो बताए, एक आश्वासन दे, सांसदों को आश्वासन दे, देश को आश्वासन दे। और उसके ऊपर ही जिस तरह की हिटलरशाही चल रही है, सभी सांसदों को बाहर निकाल दिया है, मनमानी से बिल पास कर रहे हैं, और ये सरकार चाहती है कि सिर्फ खुद ही वो बैठे रहे संसद के अंदर, ऑपोजिशन का कोई काम नहीं है। ये एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर, आजाद देश के अंदर, कि संसदों को बाहर निकाल कर और मनमानी से बिल पास कर रहे हैं। और हमारी लोकसभा के अंदर भारी व्यक्ति अंदर घुस गया, सुरक्षा में चूक हो गई, लोकसभा से बड़ी आज हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। और वहां कोई बाहर का व्यक्ति घुस गया, उस पर विपक्ष सवाल उठाता है तो उनको आप निलंबित कर दो, ये कहां का न्याय। आज लोकतंत्र को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसकी कांग्रेस ही नहीं अपितु सारी विपक्षी पार्टियां इसकी निंदा कर रही है। ये देश जो है एक अघोषित आपातकाल की तरफ जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज 10 दिन हुए राजस्थान में सरकार बने हुए, RGHS बंद हो गया है, चिरंजीवी बंद हो गई है, बिजली ग्रामीण एरिया में कटौती शुरू हो गई है, VCR भरनी शुरू हो गई है, पानी के जो पेयजल के कनेक्शन है वो काटने शुरू हो गए हैं, तो ये जनता की सरकार है क्या। प्याज 1500 रुपए बिक रही थी, आज 700 रुपए आ गई, किसान मारा गया। तो ये इनकी सरकार का जो काम है वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और इनके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। और इस तरह से जो कर रहे हैं ना, जो गलत कर रहे हैं, वो विपक्ष चाहते नहीं है कि उनके जनता के मुद्दों के वहाँ पे डिस्कशन किया जाए, कोई बहस की जाए, वो अकेले बिल पास कर रहे हैं। तरह से लोकसभा राज्यसभा में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, प्रजातांत्रिक तरीकों को संविधान के माध्यम से जनता विपक्ष की मांग उठाता है, और ये कम बात नहीं है कि पार्लियामेंट में इस तरह का वाक्या जो हुआ है, भारी लेफ्ट से जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी। तो ये इसके विरोध में आज ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो प्रजातंत्र की हत्या मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी और ये अमित शाह के नेतृत्व में हो रही है, इसको बचाने के लिए जिस कांग्रेस की पार्टी के सिपाहियों ने, नेताओं ने अंग्रेजों की गोलियां झेली, फांसी पे चढ़े, देश को आज़ाद कराया, आज दोबारा से देश को, प्रजातंत्र को हत्या हो रही है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ आए। गौरतलब है कि हाल ही उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और राहुल गांधी द्वारा इसका वीडियो बनाए जाने को लेकर भाजपा हमलावर हुई थी। वहीं संसद में हंगामे के बाद 142 विपक्षी सांसदों के निलंबन के चलते अब कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। इसी वजह से शुक्रवार को अलवर और दिल्ली सहित देश भर में प्रदर्शन का दौर चला।
उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का टीएमसी पार्टी के सांसद द्वारा मिमिक्री कर अपमान किए जाने के मुद्दे पर भाजपा एवं युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी द्वारा इस मिमिक्री का वीडियो बनाए जाने को लेकर आक्रोश जताया। इसके विरोध में युवा मोर्चा और भाजपा ने नंगले सर्किल पर तृणमूल सांसद का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और पुतला फूंकने के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री संसद परिसर में करना बेहद निंदनीय है। उनके सांसद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह से मजाक बनाया था और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनकी वीडियो बनाई थी और हंसी चिटोली कर रहे थे, उससे नाराज मोर्चा ने सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी के सांसद का पुतला फूंका है और अपना विरोध प्रदर्शन कराए। राहुल गांधी को इस चीज़ के लिए शर्म करनी चाहिए, कितनी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और जिस तरह से उन्होंने एक माननीय उपराष्ट्रपति मोदी जी का जिस तरह से मजाक बनाया है, तो वो उसके लिए देश नाराज है, युवाओं में इसके लिए आक्रोश है, तो हम ये कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कोविड का खतरा फिर सामने आ रहा है। दो दिन पहले जैसलमेर में 2 पॉजिटिव मिले थे। वहीं गुरुवार को जयपुर के महिला चिकित्सालय में 16 दिन का नवजात और एसएमएस अस्पताल में एक 48 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया है। नवजात के परिजन भरतपुर के हैं, जबकि एसएमएस में मिला कोविड ग्रस्त व्यक्ति झुंझुनू का रहने वाला है और वह 4 दिन पहले सर्जरी कराने के लिए भर्ती हुआ था। गौरतलब है कि देश में इस समय 2669 एक्टिव केस हैं। ऐसे में अलवर में भी सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। हालांकि मास्क लगाने को लोग भुला चुके हैं। गौरतलब है कि नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए संक्रमितों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। देश में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 पाए जाने के बाद से ही सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। सभी सरकारी वेबसाइटों पर यह 10 प्राथमिकताएं नजर आने लगी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो भी दिखाई देती है। 10 प्राथमिकताओं में से केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 2.5 लाख सरकारी नौकरी आदि शामिल हैं। गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने को प्राथमिकताओं की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। साथ ही महिला सुरक्षा के तहत हर जिले में महिला थाना और प्रत्येक थाने में महिला डेस्क सहित एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की बात कही गई है। वहीं पेपर लीक के लिए SIT का गठन होगा। भाजपा सरकार ने KG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन देने को भी प्राथमिकताओं की लिस्ट में शामिल किया है। PM किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए करने और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां आदि पहलू भी शामिल है। चिकानी स्थित LIET कॉलेज के स्टोर से अज्ञात चोर लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। स्टोर का ताला तोड़कर बैटरी, वायर, पंखे और अन्य सामान पार कर लिया गया। पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी अजय गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया गया कि 21 दिसंबर को स्टोर इंचार्ज कुछ सामान लेने के लिए गए थे तो गया तो ताला टूटा हुआ मिले। CCTV देखने पर पता लगा कि 20 दिसंबर की रात को कुछ शातिरों ने ताले तोड़कर स्टोर में रखे 15 बैटरी, 8 कैंपर, नल की 300 टोंटियां, 2 बंडल तार, 20 पंखे और 3 किलो कॉपर आदि चुरा लिए। ईसाई समुदाय की ओर से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार से अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रू चर्च में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। साथ ही चर्च को सजाया जा रहा है। चर्च के रेवरेंट राजेश मेकवान ने बताया कि 12 दिसंबर को व्हाइट गिफ्ट संडे मनाया गया था। साथ ही 17 दिसंबर को चर्च की साफ सफाई की गई। वहीं शुक्रवार से कैरोल सिंगिंग शुरू किया गया है। इसके तहत ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के घर जाकर सॉन्ग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का संदेश दिया जाएगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्रिसमस ट्री कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद रात 11:30 बजे से 12 बजे तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश दिया जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। हम चर्च के अंदर 12 तारीख से
क्रिसमस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने वाइट गिफ्ट संडे के रूप में बनाया। 17 तारीख को हमने चर्च में क्लीनिंग की, साफ सफाई, और अब 22 तारीख से हमारा कैरल्स सॉन्ग के लिए हम जाएंगे घर घर, और प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश का संदेश देंगे, गीत गाएंगे, लोग आपस में मिलकर एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ में 22 तारीख से ही हमारा लाइट डेकोरेशन और चर्च के अंदर सारा जो डेकोरेशन है वो चल रहा है, और आने वाले समय में चर्च पूर्ण तरीके से सज कर तैयार हो जाएगा। और 24 तारीख को शाम को 24 तारीख को सुबह चर्च आराधना है, उसके बाद में शाम को 6 बजे क्रिसमस ट्री है, जिसमें शहर के सारे बच्चे और बुज़ुर्ग सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्रिसमस ट्री के रूप में मनाएंगे। साथ में 25 तारीख को 24 तारीख को 12 बजे 11:30 से 12 बजे मिडनाइट सर्विस है, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का संदेश दिया जाएगा। 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाएगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में आने का उद्देश्य और क्रिसमस का महत्व के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में चाय कॉफ़ी, और पूरे समाज के लिए, देश के लिए, अलवर क्षेत्र के लिए, सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। उधर मसीह समाज की ओर से क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। रैली में मौजूद पास्टर मुकेश मसीह, पास्टर नायडू और सिस्टर सुसव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यह रैली नेहरू गार्डन से रवाना होकर भगत सिंह सर्किल पहुंची। प्रार्थना के बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 22 दिसंबर को इसलिए हम रैली निकाल रहे की प्रभु यीशु मसीह का जन्म को वर्ण उसका उत्सव कर रहे हैं मसीह समाज की तरफ से, अलवर का मसीह समाज की तरफ से। हम ये रैली हर साल जो निकाल रहे हैं, आज का दिन भी इस साल भी निकाल रहे हैं खुशियों के साथ, और मसीह का समाज का लोग बहुत खुशी और आनंद के साथ ये रैली निकालना चाह रहे हैं, ताकि जो अलवर वासी लोगों को यीशु मसीह के बारे में जान सके और क्यों इस संसार में जन्म हुआ है उसके बारे में जान सके। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्दी का असर बढ़ रहा है और ऐसे में यहां बच्चों को जर्सी एवं वुलन कैप्स वितरित किए गए। नारायणी देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और समाज सेवी अमित छाबड़ा और पलक छाबड़ा ने इनका वितरण किया। आज तुम ये लेके जा रहे हो, बड़े बनो, काबिल बनो, जो चीज समाज से तुमने ली है वो दृढ़ संकल्प रहो कि समाज को वापिस करनी है। बड़े बन जाओगे जब जब तुम काबिल बन जाओगे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास कोई बच्चा है जिसको किसी चीज की जरूरत है तो उसकी मदद करना। इस तरीके से चैन बढ़ती रहेगी तो जो जिनको जरूरत है ना, वो जरूरतमंद की जरूरतें पूरी होती रहेगी। ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और खुश रहो। वहीं प्राचार्य अर्पणा दुबे ने इस मौके पर भामाशाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना खुदा की इबादत की तरह माना गया है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे पर अगर मुस्कान कोई ला सके, इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। किसी शायर ने भी कहा है, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान और इनको खुशी देना खुदा की इबादत के बराबर माना गया है। तो आपने बहुत जगह जगह काम किया होगा, आपका ट्रस्ट है, सहयोग के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। उधर इस दौरान स्टाफ सदस्य और अन्य प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही, साथ ही गर्म जर्सियां पाकर बच्चे खुश नजर आए। अलवर मंडी में इन दिनों प्याज की भरपूर आवक हो रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि प्याज के भाव वर्तमान में 500 से लेकर 700 प्रति मन बने हुए हैं, इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही लागत भी नहीं निकल पा रही है। सैनी के अनुसार केंद्र ने प्याज का निर्यात बंद कर दिया है, जिसके कारण भाव में कमी आई है। वहीं किसान लगातार कर्जदार होता जा रहा है। प्याज इन दिनों में अलवर मंडी में 10 रुपए से लेके और 17-18 रुपए किलो तक बिक रही है, जिसमें किसान को लागत भी नहीं मिल रही है। 1 लीटर पानी 20 रुपए का मिलता है, आप ये अंदाजा लगाइए, जब 1 लीटर पानी 20 रुपए का मिलता है, उस स्थिति में प्याज की कीमत जो है वो हमें 1 किलो की 20 रुपए नहीं मिल रही है। आलू की हमें कीमत 1 किलो की 10 रुपए मिल रही है, टमाटर की 1 किलो कीमत 12 रुपए मिल रही है, मूली की 1 किलो की कीमत 15 रुपए मिल रही है। किसी भी चीज़ में, सब्जी में, केवल नुकसान के अलावा फायदा नहीं, किसान तो मर गया ना।
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आय दुगनी करूंगा, किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बहुत जल्दी ही आने वाले समय में एक बड़ी परेशानी किसान को झेलनी पड़ेगी और जिसका पूरे ही व्यापार जगत के ऊपर बड़ा असर होगा। किसान के पास पैसा नहीं होगा, बाजार में रोटेशन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं है कि हमारी उपज का सही भाव नहीं मिल रहा है, जब तक किसान की उपज का सही भाव नहीं मिलेगा तब तक देश के विकास होना संभव नहीं है। उधर किसानों ने बताया कि उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्याज पर प्रतिमन उत्पादन में करीब 1000 रुपए की लागत आती है, लेकिन कीमत इसकी आधी मिल रही है। उन्होंने प्याज का निर्यात खोलने की मांग उठाई है। आपका नरेश कुमार पांडे। तो कितने प्याज बोई आपने? 4 बीघा। क्या भाव प्याज बिक्री है? 500 से 700 के बीच में। तो ये भाव में तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, उतार हो गया साहब, कोई फायदा नहीं है। उतार हो गया क्या मतलब है? जमींदार के घाटा जा रहा है। अच्छा, किसान का घाटा जा रहा है। हाँ। क्या कारण है? पैदावार नहीं बैठ रही, फिर भाव नहीं है ना। तो भाव क्यों नहीं है, भाव कम होने क्या कारण है? अब साहब ऊपर से पतन निर्यात बंद कर दिया ना वो मोदी ने, जो इसलिए। तो आपको लगता है मोदी के कारण किसान मर रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो मोदी तो कह रहे मैं आय दुगनी कर रहा हूँ। नहीं तो आप देख लो ना, आप मंडी में आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे, बेच रहे हैं प्याज। तो आपने सरकार से पूछा नहीं निर्यात बंद करने में क्या फायदा हो रहा है सरकार? तो साहब वो वोट है इनके चक्कर में, पता नहीं सरकार की क्या नीति है, पर क्या कह सके। तो आपने 4 बीघा में कितनी प्याज हुई है आपके, कितना नुकसान जाएगा आपको? 1 लाख का। 1 लाख का? बिल्कुल 1 लाख का नुकसान है। तो आप जो किसान बेच रहे हो सबको नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल सबको। तो इससे तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल साहब भारी नुकसान। कितनी प्याज बोई है? 25-30 बीघा। 25-30 बीघा। अब प्याज क्या भाव बिक रही है मंडी में? अब मंडी में 500-600 प्याज बिक रही है। 500 रुपये? 500-600-700 थोड़ी बाजार। 500-700 रुपये में? तो हाँ वो 700 नॉर्मल, तो 600-650 बिक रही है। तो इसमें लागत निकल रही है क्या? लागत कहाँ निकल रही है, हमें कुछ भी लागत ना निकल रही है। तो आप प्याज का नुकसान दे रही है? नुकसान दे रही है। क्या कारण है नुकसान हुए प्याज का भाव? निर्यात बंद कर दिया, निर्यात बंद कर दिया तो बाहर जाना रही। तो आपको लगता है सरकार ने जान पूछ के किया है ये? तो कैसे सरकार को मतलब कोई बेनिफिट है या नहीं है ये पता नहीं। हो सके सरकार स्टॉक कर रही हुए बाजार में, मतलब 650-600-700-600-700। तो ये तो भाव बहुत डाउन हो गया। और क्या कारण है इसका डाउन होने का? पता ना कहाँ लिखी है। तो इसमें तो फिर आपको घाटा जा रहा है या कुछ लागत निकल रही है, क्या स्थिति है? ना निकल रही, इनमें घाटा जा रहा है, इनमें कहा लागत निकल रही है, मंजूरी नहीं आ पाती। कितनी प्याज बोई है आपने? प्याज तो वही 1.5 बीघा। अच्छा, 3 बीघा बोई है? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। तो ये अब जो किसान जितने भी प्याज बेचेंगे सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मांगीलाल मीणा के अनुसार भाजपा सरकार ने किसानों पर पहले 3 काले कानून लागू किए थे, लेकिन इन्हें आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा। उधर अब प्याज का निर्यात बंद करने जैसे कदम उठाए गए हैं, इससे किसानों को घाटा हो रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मीणा के अनुसार किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों को फल सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है, उनका वादा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी का चारा ना कर दी उन्होंने आय, तो पहले से जो हो रही थी जिसको भी चौथा ही सेम बदल दिया और प्याज का निर्यात बंद करके किसानों के साथ कुठाराघात किया है, ये सामने है आपको। कमर टूट गया किसानों के खिलाफ, तो बिल लाए थे किसने, लोग किसान मर गए थे, उससे बैक होना पड़ा था इनको, और वापस किसानों की हत्या कर रहे हैं, एक तरह से उनके साथ न्याय नहीं कर रहे, और ये तर्क संगत नहीं है किसानों के लिए, जो अपने ब्याज से सूद से लाके बेचारे दवाई और मेहनत करके कमाते हैं, रात दिन पानी मोड़ते हैं और उसके बाद में मेहनत का भी फल नहीं मिलता है, तो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आम जनता की भावना और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विधानसभा निश्चित रूप से मुद्दे उठाएंगे और पुरजोर बहस करेंगे उसके लिए, और उनके किसानों के हित की बात करेंगे। समाचारों में वक्त उचला, छोट से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदी उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें।
एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट बैग डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से शुरू होंगे। राजकीय यशवंत स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि 23 दिसंबर को स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म होंगी। इसके बाद 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा, साथ ही 6 जनवरी से फिर शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। शीतकालीन अवकाश गत सत्र की भांति 24 दिसंबर से शुरू होंगे और 5 जनवरी तक ये अवकाश चलेंगे। उसके बाद फिर 6 जनवरी से पुणे विद्यालय
खुलेगा। अभी सरकारी और राजकीय मान्यता प्राप्त जितने भी निजी विद्यालय हैं सब पर ये नियम लागू होंगे और शीतकालीन अवकाश सबको करने पड़ेंगे। अलवर में जनता कॉलोनी मोजपुर हाउस के पास मुंगसका की ओर जाने वाले रास्ते में आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। क्षेत्र निवासी सीताराम शर्मा ने बताया कि इस रोड पर पहले भी कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। ऐसे में कई बार प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने मांग उठाई कि इस रोड पर लोहे के एंगल लगाने एवं स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत है। यहां सघन आबादी वाले इलाके में से गुजरने वाले भारी वाहन खतरे का सबब बने हुए हैं। जी सर, जो ये घुमा हुए रोड मंडी मोड़ गुजारा हनुमान चौराहा है तो इस पर पहले भी काफ़ी बार एक्सीडेंट हो गए, तो इस मोड़ पर पहले एंगल वगैरह लगाने की मांग की गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं? हर दो दिन में, तीन दिन में, एक दो दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और प्रशासन से भी कई बार मांग कर चुके हैं लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि यहाँ पर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और कोई ऐसी सुविधा करे जिससे कि एक्सीडेंटों में रोकथाम। मोड़ है पूरा? हाँ, पूरा मोड़ है। वर्ष की आखिरी एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वहीं इस एकादशी पर व्रत के साथ ही श्रद्धालु भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं। उधर 24 दिसंबर को रवि प्रदोष व्रत होगा। साथ ही 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के बाद 27 दिसंबर से पोष मास प्रारंभ होगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी कल 23 दिसंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल मोक्षदा एकादशी 2023 की आखिरी एकादशी है और इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके भगवान विष्णु जी की परिक्रमा करके और एकादशी का व्रत करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से इस एकादशी का विशेष पुण्य व लाभ प्राप्त होता है और ऐसा करने से भगवान विष्णु श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान दिया था। पौराणिक ग्रंथों में लेख है कि इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने से, व्रत करने से, जप करने से अंत समय में बिना कष्ट के, बिना दुख पाए जातकों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दूसरे दिन 24 दिसंबर रविवार को रवि प्रदोष का व्रत किया जाएगा और 26 दिसंबर मंगलवार को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी के दिन मंदिरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाएगा और 27 दिसंबर से पोष मास प्रारंभ हो जाएगा। पोष मास प्रारंभ होने के साथ ही मंदिरों में पोष बड़े का भोग लगा करके श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद वितरित किया जाएगा और पोष के महीने में भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ भोग लगा करके पुए पकौड़ी हलवा आदि का भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न करके देश के लिए और खुशहाली के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसलिए अन्य महीनों की अपेक्षा पोष महीना बड़ा शुभ माना गया है और पोष मास में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारा पोष बड़े का भोग लगा करके खुशहाली की कामना की जाती है। 14 वर्षीय स्कूली छात्र छात्रा नेशनल हॉकी प्रतियोगिता 27 दिसंबर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आयोजित होगी। इसकी तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी के सानिध्य में कैंप लगाया जा रहा है। यह शिविर 21 से 26 दिसंबर तक राजकीय प्रताप स्कूल के खेल मैदान में आयोजित हो रहा है। टीम के मुख्य कोच देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस शिविर में छात्र छात्रा वर्ग के प्रदेश भर के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथ ही 26 दिसंबर को यहां से टीम रवाना होगी और 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचेगी। वहां 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक नेशनल हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगी। 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता जो है
28 तारीख से ग्वालियर के अंदर शुरू होने जा रही है अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स। और इसमें ये जो राष्ट्रीय स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर है, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी के तत्वाधान में यहाँ प्रताप स्कूल के अंदर ये कैंप लग रहा है। और हम लोग यहाँ से इन बच्चों को जो है 4-5 दिन का जो कैंप लगेगा, कब से शुरू है, कब से लगेगा? कैंप चलेगा 21 से 26 तक। अच्छा। और 26 को ही हमारे जो है रवानगी है यहाँ से, और 27 को रिपोर्टिंग है, और 28 से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो इस बार हमें थोड़ी काफ़ी अच्छी उम्मीद है, लड़कों और लड़कियों की टीम बहुत अच्छी बनी है। पूरे राज्य के ये जो 25 बच्चे थे उसमें से हमने अब 18 फाइनल किए कि प्रतियोगिता में 18 बच्चे ये भाग लेते हैं, और 18 ही गर्ल्स है और 18 ही बॉयज़ है। और यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत शानदार व्यवस्था की है, क्योंकि यहाँ पूर्व में भी कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस अलवर से निकल चुके हैं, और हमारे जो विजेंद्र सिंह दरुका है जो स्वयं बहुत अच्छे कोच हैं और राष्ट्रीय लेवल पर वो सम्मानित हो चुके हैं, उन्होंने खुदनपुरी जैसे छोटे से एरिया के अंदर बहुत ही अच्छे प्लेयर हॉकी के तैयार किए। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से पूर्व विधायक जीतमल जैन की स्मृति में निःशुल्क नेत्र जाँच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को यह आयोजन हुआ। शिविर में करीब 100 मरीजों की आंखों की जांच की गई, साथ ही चयनित करीब 30 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। शनिवार सुबह मरीजों को डिस्चार्ज होने पर केंद्र की ओर से निशुल्क चश्मे और दवाइयां दी जाएंगी। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आदिनाथ पब्लिक स्कूल की ओर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अभिभावक एवं प्रमुख लोग मौजूद रहे, साथ ही प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों और प्राचार्य सहित स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी रही। आदिनाथ पब्लिक स्कूल अलवर की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें जो बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय भक्ति से उत्प्रेरित है उनको प्रस्तुत किए गए हैं, और जो यहाँ के सारे स्टाफ के द्वारा जो मेहनत की गई है और बच्चों को तैयारी की गई है वो काबिल तारीफ है। तो आज का जो प्रोग्राम है उसका बेसिक थीम भी यही है कि केजी टू पीजी का कॉन्सेप्ट लेके यशो गाथा और सफ़र का जो कॉन्सेप्ट लिया है उसी को लेके काम किया जा रहा है। और वर्तमान कार्यकारिणी जो है, जो कि श्रीमान अशोक कुमार जैन जी अगोनीस के नेतृत्व में काम कर रही है, उनका बेसिक विजन ये है कि शीघ्र ही संस्था की एक नई ब्रांच, आदिनाथ पब्लिक स्कूल की एक नई ब्रांच शहर में प्रमुख स्थान पर प्रारंभ की है। और एक और खास बात ये कि आदिनाथ स्पोर्ट्स अकेडमी ने दिसंबर में अपना काम प्रारंभ कर दिया है, और शीघ्र ही आदिनाथ म्यूजिक अकेडमी की स्थापना भी श्री अशोक कुमार जैन अगोनीस के नेतृत्व में की जा रही है। अलवर शहर के अलकापुरी में गत रात्रि चोरों ने रेस्टोरेंट का ताला तोड़ गल्ले में रखे करीब 8,000 रुपए पार कर लिए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित गुलशन कुमार के अनुसार सिलेक्शन पॉइंट रेस्टोरेंट में 2 शातिरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और मेरा अलकापुरी सिलेक्शन पॉइंट का रेस्टोरेंट है, जिसमें रात को करीब 2 चोर आए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, और उन्होंने ताले तोड़ के उन्होंने गले में पैसा वगैरह निकाले हैं। करीब 7-8,000 रुपये की चोरी हुई है। कितने लोग थे? दो लोग हैं, और करीब 1:52 की घटना है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। सदर थाना पुलिस ने चोरी करने और चोरी का माल खरीदने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस बारे में परिवादी धर्मेंद्र ने शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी निर्माणाधीन दुकान से 1 क्विंटल सरिया और सीमेंट के कट्टे चोरी हो गए। इसके बाद पुलिस ने जांच की और चोरी करने के आरोप में खेड़ली के शेर सिंह और पीलवार निवासी रिंकू वर्मा को पकड़ लिया। साथ ही चोरी का माल खरीदने के आरोप में पहाड़ी निवासी कबाड़ी साजिद को गिरफ्तार किया है। श्री धर्मेंद्र निवासी कोआवास किशनगढ़ ने दिनांक 5/6/2023 को प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें सीमेंट के कट्टे वगैरह दुकान से चोरी कर ले जाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान कल आरोपीगण शेर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी खेड़ली थाना क्षेत्र का और रिंकू वर्मा पुत्र हीरामन निवासी पीलवा सदर, इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी का माल खरीदने के आरोप में शाहिद उर्फ सदीक निवासी काजू का पुलिस थाना पहाड़ी जिला डी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनको चिकानी से गिरफ्तार किया गया।
समाचारों में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदी उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाए। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रामगढ़ में गुलाब वाटिका मैरिज होम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा विधायक जुबीर खान, टीका रामजुली, दीपचंद खेरिया, ललित यादव, कांतिलाल मीणा और मांगीलाल मीणा मौजूद रहे। साथ ही पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, प्रधान जाकिर खान एवं लियाकत खान सहित अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया, जबकि मंच संचालन प्रधान नसरू खान ने किया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शासन में संचालित अधिकतर योजनाएं भाजपा सरकार बंद कर रही है। वहीं परेशान लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हक में मतदान करेंगे। इस मौके पर रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने उन्हें जिताने के लिए लोगों का आभार जताया। भी आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के चौकीदारी से, आप लोगों की ईमानदारी से, आपके कार्य करने से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता हूँ, मैं आपका तहदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे सरकार किसी की भी हो, अलवर में आज 11 में से 6 विधायक हैं, अलवर लोकसभा में 6 में से 5 विधायक हैं, जिला प्रमुख हमारे हैं, जाता प्रधान हमारे हैं, नगर पालिकाओं के चेयर हमारे हैं और जो चुनाव हारे हैं थोड़े थोड़े वोटों से वो भी राजनीति में परिपक्व हैं और सब हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की और जनता की ईमानदारी से सेवा करेंगे। आगे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी विधायक हमारा है आगे सरकार अपनी आ रही 100% आ रही, क्योंकि कर्म ऐसे कर दिए। कल परसों भाव साहब ने एक शब्द बोला था, वैसा उस शब्द का क्या, फिर पूरे मीडिया में क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाव साहब
आप ये शब्द बोल रहे, बढ़िया पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में आपके चैनल में नाम है, मीडिया ट्रायल हो गया, सब भावर साहब को जाने वाले महाराजा का मैसेज है, तो इन बातों की चिंता मत करो, आप ठोक के मैसेज दो, हम आपके साथ है। किशनगढ़ बास क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतियाबाद में विकसित भारत हमारा संकल्प की प्रतिज्ञा ली गई। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली गई। इस दौरान संस्था प्रधान राजेश योगी, अध्यापक राजीव चौधरी, सिंगाराम डालूराम, शीलाबाई, प्रियंका यादव, पीटीआई गुरविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रतिज्ञा लेता हूँ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। उधर फतियाबाद मिडिल स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि अभिभावक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान संस्था प्रधान राजेश योगी सहित स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी रही। रैणी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन और बिलेटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित हुए। इन शिविरों में आमजन को भारत सरकार की 17 योजनाओं के बारे में एडिशनल बीडीओ भूधर मीणा ने जानकारी दी। वहीं कृषि अधिकारी सवाई सिंह ने कृषकों को दी जाने वाली छूट के बारे में बताया। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना के तहत अनेक महिलाओं ने पंजीयन करवाए। साथ ही राजीविका समूह की महिलाओं ने अपने व्यवसाय के बारे में बताया। कैंप में जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सहदावत ने भी आमजन की परिवेदनाएं सुनी। रैणी बीडीओ नरेंद्र शर्मा के अनुसार शुक्रवार को राजपुर छोटा और चिलोड़ी पंचायत में भी कैंप लगाए गए। बीजवाड़ नरुका स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपन्न हो गया है। इस दौरान हवन यज्ञ एवं पूजन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने अग्नि देव को आहुतियां प्रदान कर सुख समृद्धि की कामना की। आचार्य श्री राम के अनुसार खर मास में पूजा अर्चना एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का विशेष महत्व है। उधर इस मौके पर भंडारा भी आयोजित हुआ। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से जरूरतमंद लोगों के नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही आई डोनेशन सेंटर भी अलवर में स्थापित है। जिला मुख्यालय पर हॉस्पिटल के प्रशासक चरण मैसी के अनुसार विभिन्न केंद्रों में नियमित रूप से नेत्र लेंस ऑपरेशन किए जाते हैं। फिलहाल अलवर जिले के प्रशासक योगेश कुमार यादव हैं। साथ ही उपखंड मुख्यालय पर भी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई अस्पताल निरंतर सामाजिक सरोकार निभा रहा है। अयोध्या में होने वाले बहुप्रतीक्षित श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा आनंदोत्सव की श्रृंखला में मालखड़ा कस्बे में भी कार्यक्रम होंगे। यहां 1 से 22 जनवरी के मध्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलवर जिला प्रचारक नवरत्न ने बताया कि इसे लेकर कटला मोहल्ला मालखड़ा स्थित सीताराम जी के मंदिर में भक्तों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 21 और 22 तारीख को दीपोत्सव कार्यक्रम, प्रभात फेरी, सुंदरकांड पाठ, सभी मंदिरों में साज सज्जा और रामधुनी आदि किए जाएंगे। साथ ही आयोजन समिति का गठन भी किया गया है। इसमें सुनील कुमार गुप्ता खंड संयोजक, लक्ष्मी गुप्ता नगर संयोजक, आशाराम सोनी और जगदीश मीणा सह संयोजक सहित 21 सदस्य शामिल हैं। उधर बैठक में राजेश गुप्ता, उमेश चंद खंडेलवाल, महेश पंसारी, महेश खंडेलवाल, शिवचंद शर्मा और विष्णु शर्मा आदि उपस्थित रहे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मालखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बरखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी धीरेंद्र सोनी और कारबाग विकास अधिकारी
रमेश चंद मीणा सहित अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। वहीं विकसित भारत की थीम पर छात्राओं ने गीत प्रस्तुत किया, साथ ही प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने और उज्ज्वला गैस योजना में पंजीयन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। अकबरपुर और उमरण क्षेत्र में खाद किट वितरित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किट का वितरण हो रहा है। इसके चलते उचित मूल्य की दुकानों पर भीड़ देखी गई। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को गेहूं वितरित किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से ये फूड किट और रिफाइंड ऑयल सोयाबीन रिफाइंड का पैकेट हर महीने मिल रहा है। अभी हम गेहूँ दिसंबर में आके और फूड पैकेट नवंबर में आके वितरण कर रहे हैं तो चालू है। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को शाला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका पीओ अमित वशिष्ठ ने गृह निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से सवाल पूछे जिनका सही जवाब मिला। इसके अलावा खाद भंडारण और पोषाहार का भी जायजा लिया गया। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में आज मैंने शाला सम्मेलन के तहत निरीक्षण किया, जिसमें दो स्टूडेंट कक्षा 6-7-8 में से किसी भी क्लास के गणित, अंग्रेजी या विज्ञान के या हिंदी विषय के दो स्टूडेंट्स को मैंने बुलवाया और उनसे ऑनलाइन जो प्रश्न ऐप पर आए उनके बारे में पूछा। उनमें से अधिकांश के बच्चों ने सही उत्तर दिए, तो इससे मालूम लगता है कि पढ़ाई का स्तर ठीक है, बच्चे समझ रहे हैं और ABL किट के माध्यम से भी वो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लास भी वहाँ है, फ्लैट पैनल भी है जिसका यूज शिक्षिकाएं कर रही हैं और बच्चों को समग्र विकास की तरफ पढ़ाई के साथ साथ लेकर जा रही हैं। इसके अतिरिक्त MDM का भी उसमें निरीक्षण करना होता है, जिसकी गुणवत्ता को चक्कर देखना होता है, तो वो भी सही पाई गई। इसके साथ ही जो भंडारण होता है खाद्यान्न का, उसको भी देखा गया, वो भी उचित रखरखाव के साथ था। पोषाहार रजिस्टर में पोषाहार को आज तक की एंट्री की हुई थी, तो इस तरह से जो विभिन्न आयाम हैं निरीक्षण के वो सभी देखे गए और संतोषजनक व्यवस्थाएं पाई गई। अकबरपुर थाना अंतर्गत माचड़ी गांव में गडरियों के साथ मारपीट सामने आई है। इसके चलते एक व्यक्ति घायल हो गया। पीड़ित राजाराम ने बताया कि वह सिरोही जिले से आए हैं और यहां अपनी भेड़ चरा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मामला यह हुआ, खाली खेत था ना, तो उसमें गुजर की भेड़ चर रही थी, तो हमने भी पीछे पीछे उतर ली। रामगढ़ में श्याम सखा मंडल द्वारा ठंडी महाराज मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी मुख्य मार्ग से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। वहीं बाबा श्याम की महाआरती का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सत्यम गोयल, गौरव सोनी, अमित भारद्वाज, अमित गर्ग, सनी अरोड़ा, मोहित अरोड़ा और शिव शंकर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। कठुमर के गैलेक्सी एकेडमी में 2 दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान बालक बालिकाओं की 400 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर की रेस कराई गई। साथ ही कबड्डी मैच, म्यूजिकल चेयर और रस्साकशी जैसी स्पर्धाएं भी हुई। सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं शनिवार को खेलों का समापन होगा। इस अवसर पर डायरेक्टर मनोज चौधरी सहित विशाल चौधरी, राकेश चौधरी, ऋषिराज यादव, ओम प्रकाश, संजय योगी, योगेश शर्मा, उषा शर्मा, करुणा जोशी और मनोरमा कुमारी आदि मौजूद रहे। थानागाजी स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा ने हरनेर निवासी रजनीश शर्मा को 2 लाख की सहायता राशि दी है। बैंक प्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि अरनेर गांव निवासी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक में बीमा करवाया था। उनके आकस्मिक मौत के बाद पत्नी रजनी को यह सहायता राशि प्रदान की गई है। उधर इस मौके पर सहायक प्रबंधक मुरलीधर चौधरी सहित अन्य बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। शाखा थानागाजी द्वारा हरनेर निवासी श्री राजेश कुमार शर्मा जी की आकस्मिक मौत होने के कारण उनकी जो नॉमिनी थी श्रीमती रजनी देवी, उनको 2 लाख रुपए की राशि बैंक द्वारा दिलवाई गई। अतः मैं सभी जो ग्राहक है पंजाब नेशनल बैंक, उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी इन शाखाओं, इन जो सुविधाएं हैं बीमा योजना की, उनका अधिक से अधिक लाभ लेवें। और अब चलते हैं खैरतल तेजारा जिले की खबरों की तरफ। भारतीय सिंधु सभा खैरतल की बैठक आनंद नगर कॉलोनी से झूलेलाल मंदिर में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी ने की। इस मौके पर 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर
क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य करने की योजना बनाएगी। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचार प्रमुख सुनील कुमार गुप्ता ने संबोधित किया। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर में पूजित अक्षत और राम मंदिर के चित्र को लेकर पहुंचेंगे। उधर प्रदेश मंत्री ज्ञानानी ने राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा क्लास 12 की सिंधी विषय के लिए भेजी गई पुस्तकों का वितरण किया। साथ ही 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाली SLSC की परीक्षाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अशोक महलवानी, विजय बचानी, शिशुपाल रेलवानी, बाबूलाल गोरवानी, दिनेश माखीजा आदि उपस्थित रहे। खैरतल में भोजपुरी के पास ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे राहगीरों ने हरसोली CSC में भर्ती कराया। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। खैरतल पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के 4 डंपर जब्त किए हैं। किशनगढ़वास DSP सुरेश कुमार कुड़ी के नेतृत्व में रात्रि को नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान 4 डंपर बिना नंबर प्लेट के पाए गए। ऐसे में उन्हें जब्त कर लिया गया है। भिवाड़ी के आशाना आंगन निवासी 24 वर्षीय शिवांशी पाठक का वायुसेना में पायलट के रूप में चयन हुआ है। शिवांशी भिवाड़ी की पहली महिला पायलट है जिनका सेना में चयन हुआ है। उनके पिता शशिकांत पाठक मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले हैं और भिवाड़ी में होम्योपैथिक दवा निर्माण करते हैं, जबकि माँ सुषमा पाठक संगीत शिक्षिका है। शिवांशी का रुझान 12वीं के बाद से ही पायलट बनने का था और उन्होंने इसके लिए कठिन परिश्रम किया। उनके 18 महीने की कठिन ट्रेनिंग 17 दिसंबर को पूर्ण हुई है। रामपुर मुंडाना के समीप युवक का शव मिला है। सूखे नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस लाश के सिर को श्वान ने नोच लिया था। शिनाख्त के लिए भिवाड़ी थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो मेरा छोटा भाई, उसने फोन किया था कि कोई बॉडी पड़ी, कोई आदमी मरा पड़ा यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं आया, मैंने देखा तो मैंने थाने में सूचना दी थी। अच्छा, तो क्या लगता है कहीं आसपास का लोकल है या कोई यहाँ पे गार्ड वार्ड का काम करता है? पहचान नहीं आ रही थी। पहचान नहीं आ रही, तो पहली नजर में क्या लगता है कैसा घटनाक्रम हो सकता है? देख, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, नशा में है या किसी ने मार के पटका कैसे क्या। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडाना के। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों की भीड़ देखी जब आप आए? हाँ, बच्चों ने, बच्चे खेल रहे थे यहाँ, छोटे बच्चे 8-9 साल के, उनने बताई घर पे जाके, तो वहाँ से हुआ पड़ा। ग्राम कतोपुर में जानलेवा हमले की घटना के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें गौरव को रेवाड़ी और आशीष यादव को हरसोरा से पकड़ा गया है। इससे पूर्व अन्य आरोपी राहुल, ओम शंकर और मनीष से हथियार बरामद किए गए थे। साथ ही DSP सुरेश कुड़ी सहित कोट कासिम और किशनगढ़वास की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। किशनगढ़वास कस्बे में गीता जयंती उत्सव मनाया गया। एडवोकेट जनमेजय सिंह बारेट और सामाजिक कार्यकर्ता जानकी देवी ने शुक्रवार को मार्ग शीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर यह उत्सव मनाया। साथ ही करीब 1000 लोगों सहित रेफरल चिकित्सालय में फल वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता अध्यात्म मुक्ति का मार्ग है और विश्व कल्याण के लिए इसका अवतरण हुआ था। गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया है। आज के दिन गीता जी का अवतरण हुआ था धरती पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं किशनगढ़वास के नव युवा सभी लोग गीता को एक बार फिर याद करें और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। उत्सव पर आज हमारे निवास स्थान पे हजारों लोगों को फल वितरण का हमने कार्यक्रम रखा है। इसमें बहुत से राहगीर यहाँ आके फल ग्रहण कर रहे हैं और इस ये बात हमको बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास दे रही है कि इस तरीके से गीता के बारे में जो प्रेरणा है वो हम यहाँ लोगों को दे पा रहे हैं। इसके लिए इस रहस्य को जितने लोगों तक उजागर किया जा सके और लोगों का जीवन सरल बनाया जा सके, उसी प्रयास में हम लोगों ने ये फल वितरण किया है। और ज्ञान इससे हम चाहते हैं लोग गीता पढ़ने के लिए और प्रेरित हों और इस निगूढ़ ज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित हों। शहर में कमला मार्केट स्थित रमन बिहारी ज्वेलर्स की दुकान से गत रात्रि शातिर CCTV कैमरे तोड़ कर ले गए। इसी मार्केट में पिछले माह भी शुभम ज्वेलर्स की दुकान पर करीब 4 लाख की चोरी हुई थी। इसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। उधर व्यापारी ने बताया कि रात 10 बजे 2 लड़के कैमरे तोड़कर भागते हुए नजर आए। शिकायत के बावजूद यहां गश्त नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक होजरी शॉप पर भी इसी तरह CCTV कैमरा तोड़ा गया था। हनुमान बुर्ज कमला मार्केट में गत माह भी चोरी की वारदात शिवम ज्वेलर्स के यहाँ हो चुकी है और आज रात्रि को 10:40 उसी दुकान के थोड़ा सा आगे चलते हैं बापू बाजार की तरफ तो गुरुद्वारे के पीछे रमन बिहारी ज्वेलर्स की दुकान पर भी चोरों द्वारा CCTV कैमरों को तोड़ा गया है।
और वारदात करने की फिराक में ये कार्रवाई की गई है। कोतवाल साहब से इस संबंध में हम 3-4 बार मिल चुके हैं, माननीय SP साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाजार वालों का ये मानना है कि पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वारदातें बढ़ रही हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। व्यापारियों कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई की जाए, अन्यथा व्यापारियों को निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बांसुर विधानसभा के बामनवास और किशोरपुरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। वहीं भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत का शिविर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुँच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। उधर देवी सिंह शेखावत ने किशोरपुरा के मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, सरपंच बबीता कंवर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोरा, जिला मंत्री सतीश वाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष हनुमान यादव और रामानंद दीक्षित आदि उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे अंतिम छोर पर और सबसे अभावग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी चिंता करते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, उसका स्वाभिमान जागृत हो और मुख्य धारा में वो व्यक्ति सम्मिलित तो हो, इसके लिए उसके आवास की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने के पानी की हो, हर आवश्यक जो जीवन जीने के लिए जो चीजें हैं उनका सोच प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। और आज देश बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि समृद्धि घर घर तक पहुंच रही है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गैस उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनी EKYC, सर्वर डाउन होने के कारण लग रही है लंबी कतारें। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह सहित विधायक और कार्यकर्ता हुए एकत्र। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 प्राथमिकताएं की तय। निर्धारित श्रेणी में 450 के सिलेंडर और 2.5 लाख नौकरियों सहित अन्य पहलू है शामिल। और चिकानी LIT कॉलेज से लाखों का सामान हुआ पार, स्टोर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।